शॉर्ट फंड की बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति को, एक इंसान को इतना ज्यादा शॉर्ट फंड मिलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये मेरे सोच के खिलाफ है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति को मिला है शॉर्ट फंड लाखों रुपए से ज्यादा, एक महीने का सिर्फ शॉर्ट फंड, उससे ज्यादा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट फंड कैसे मिलता है, आप कैसे प्राप्त कर सकते हो अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो। यहाँ पर मैं इसके पहले बताया था कि प्रियंका चौहान 2.0 को मिला है $1,698, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा व्यक्ति है बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ये वैसी वीडियो क्रिएट नहीं करता जैसी मैं चाहता हूँ, लेकिन नॉर्मली अभी कौन है क्या है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि शॉर्ट फंड ऐसे कैसे मिल जाता है। मैं यहाँ पर सबसे पहले इनका नाम बता दूँ, इनका नाम है दुष्यंत कुकरेजा। अब इनकी बात करें तो सबसे पहले इनके चैनल पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 8 लाख सब्सक्राइब। फिर उसके बाद अगर इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियो की बात की जाए तो इनके व्यूज देख के मैं हैरान था यार, इतने तो किसी के नहीं आए अभी तक। शॉर्ट इनके व्यू देखा, अरे मेरे बापा बापा 189 मिलियन, ऐसा हो सकता है, कभी सोचा है? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भैया इनको शॉर्ट फंड एग्जैक्ट कितना मिला है, सही शॉर्ट फंड कितना मिला है, तो इन्हीं के मुंह से सुनाऊंगा कितना मिला है। मैं जरूर बता सकता हूँ, जो शॉर्ट्स हम बनाते हैं तो शॉर्ट्स बोनस आता है, तो बोनस मेरे को पूरे मतलब इंडिया में शायद हाईएस्ट मिला है अभी तक, मतलब जो आता है जो कि $3,000 है। और जो अभी तक जो आपको आने वाले टाइम में भी मतलब पूरे एक साल तक आपको शॉर्ट बोनस मिल सकता है पर मंथ, अगर आपकी कोई भी शॉर्ट वायरल होते तो आपको मिनिमम $100 मिलेंगे, और अगर बहुत हर रोज आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ गया तो आपको मैक्सिमम $10,000 मतलब 7 लाख रुपीज मिलेंगे। $3,000 इनको कन्वर्ट करो इंडियन रुपीज में होता है $2,10,000 के आसपास, तो इतना शॉर्ट फंड तो मिला। लेकिन ये मिलता कैसी आप मैं इन्हीं के मुंह से सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मिलता कैसे। सिंपली आपको शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना, भले एक्टिंग ना आती हो, इनको भी नहीं आती ठीक है, एक्टिंग नहीं आती हो, सिर्फ आपके पास रहना चाहिए क्रिएटिविटी, कुछ नया, सिर्फ सोचने की समझने की क्षमता बढ़ा दो और उसको शॉर्ट वीडियो में डाल दो। शॉर्ट वीडियो क्या है, 1 मिनट का बनता है बस, और सिंपली अपलोड करते जाओ। अब एक भी वीडियो अगर शॉर्ट आपका 1 मिलियन 2 मिलियन के आसपास पहुंचता है तो आपको शॉर्ट फंड स्टार्टिंग में कितना मिल सकता है, मैक्सिमम $200 से $300, यानी लगभग होता है 20 से 21 हजार रुपए स्टार्टिंग ही है शॉर्ट फंड की। देन उसके बाद जैसे आपकी कोई वीडियो वायरल होती है, वायरल होने के बाद क्या करता है यू डायरेक्ट डाल देता है ट्रेंडिंग सेक्शन में। आप ट्रेंडिंग सेक्शन में आ गए, ट्रेंडिंग सेक्शन में आने का मतलब क्या है पता है क्या, व्यू एक दिन में कम से कम 10 से 12 मिलियन हो जाते हैं, भले आपका चैनल का बेस कितना भी हो, 1000 सब्सक्राइबर क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रेंडिंग में आना चाहिए, ट्रेंडिंग आ जाएगी फिर उसके बाद होता है यहाँ से चालू शॉर्ट फंड। तो इनको हर महीने शॉर्ट फंड मिलता है, ऐसे नहीं कि भैया एक ही टाइम मिला, एक एक महीने में मिलता है इनको $3,000, तो इसी के हिसाब से लगा लो मंथली का कितना हो गया, मंथली का 2 लाख के आसपास कमा लेते। लेकिन यहाँ पर उससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते तो मानता हूँ यार शॉर्ट फंड मिलेगा, लेकिन उसके साथ मोनेटाइजेशन के लिए भी मिलता है, यानी एड चलेंगी वो शॉर्ट वीडियो में, अगर कोई YouTube में देखेगा तो वहां से भी अर्निंग होती है। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा शॉर्ट फंड इन्हीं को मिला है, तो सिंपली क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।